हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस राखी के मोल्ड से, जो कि सिलिकॉन का बना हुआ है, इसमें बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनें हैं, इससे बनाने के आइडियाज़ दूंगी। ये है मोल्डेड। मोल्डेड जो है वो फैब्रिकल कंपनी की भी आती है, इसके अलावा और भी तरीके की क्ले आती हैं, शेप इट वगैरह और भी ब्रांड्स की भी आती हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी होती हैं उनमें दो होते हैं पार्ट, एक रेजिन और एक हार्डनर। इन दोनों को मिक्स करना होता है अच्छे से और बिल्कुल परफेक्ट वाइट करना होता है। जब तक मिक्स करते रहना होता है जब तक कि ये वाइट ना हो जाए। जब ये एकदम वाइट हो जाती हैं तब इनको हम क्ले के फॉर्म में पाते हैं, और देखिए सूखी इस तरीके की ड्राई हो जाती हैं बिल्कुल पत्थर के जैसी। तो ये हमारी बिल्कुल भी गिरने के बाद भी नहीं टूटती हैं। तो इस तरीके से आप इस क्ले को से कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको राखी के मोल्ड से थोड़ा सा कुछ बनाना बताऊँगी। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए ये है सिलिकॉन मोल्ड, इसमें मैंने कुछ मोल्डेड जो क्ले है उससे बना के रखे हुए हैं। तो देखिए जब ये ड्राई हो गया तब मैं इसे निकाल रही हूँ। तो निकालने के बाद डिज़ाइन कितनी परफेक्ट, एकदम सॉलिड, अच्छी सी खूबसूरत डिज़ाइन, एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग तक दिख रही है। अगर आप इस क्ले से जब इसको मोल्ड में डालेंगे, तो अगर इसे आप गीला गीला ही निकालेंगे तो आपके जो शेप है वो चेंज हो सकती है, यानी कि वो आपके हाथ से टच होकर गड़बड़ हो सकती है। ये राखी का मोल्ड है तो मैं इसकी राखियाँ बनाऊँगी। राखी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, थ्रेड में बस मोती डालने हैं और इसको बेस को चिपका देना है। चिपकाने के लिए आप नीचे एक सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आप इसे MDF के बोर्ड पर भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे से डेकोरेटिव पीसेस बना सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए, गिफ्टिंग के लिए। यहाँ पर आप टेक्सचर का वर्क कर दीजिए, उसके बीच में सेंटर में लगा दीजिए, या फिर जैसे मिरर का आजकल लिपन का मोज़ेक का बहुत चल रहा है तो आप मिरर लगा दीजिए और उससे भी बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन आपकी बन जाएगी। छोटे छोटे से रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ये आर्टिकल्स आपके तैयार हो जाएंगे। फिर चाहे आप राउंड MDF लें या स्क्वायर लें, जो भी कलर का लेंगे, जो भी शेप का लेंगे उससे एकदम परफेक्ट बन जाएगा। कलर अपनी चॉइस का लगाइए। इसमें आप नीचे टैसल लगाकर ऊपर हैंगिंग के लिए लगा दीजिए तो आपका क्यूट सा छोटा सा वॉल हैंगिंग तैयार हो जाएगा। आप हर ओकेज़न पर किसी को भी दे सकते हैं। अब देखिए ये जो मोल्ड है, इसमें ये फिर से मैंने मोल्डेड दिखाया, ये मोल्ड बिल्कुल लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इससे मैंने इस तरीके की डिज़ाइंस निकाल के रखी हैं। ये चारों डिज़ाइनें देख सकते हैं आप, कितने डिटेलिंग के संग डिज़ाइंस हैं। मुझे बहुत पसंद आया ये मोल्ड। वैसे तो ये मोल्ड राखी के लिए था, लेकिन मैं इसकी इतनी खूबसूरत डिज़ाइन है, इसमें दो गणेश जी की डिज़ाइन दी हुई हैं, एक देखिए त्रिशूल ओम की डिज़ाइन है और स्वास्तिक भी है इसमें। बहुत ही यूनिक डिज़ाइनें हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इनकी लिंक दे दूंगी, इस क्ले की भी और इस मोल्ड की भी। तो आप लोग भी इसी तरीके से बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन के संग कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, आप इन्हें नेम प्लेट में और वॉल हैंगिंग्स में छोटे छोटे से रिटर्न गिफ्ट के तौर पर या राखी में तो कर ही सकते हैं, उनके लिए यूज़ करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा वीडियो में कमेंट करके। मुझे अच्छा लगेगा देख कर के आप लोगों ने मेरे आइडिया को अपना कर एक खूबसूरत सा आर्टिकल बनाया, और इससे आप बहुत ही खूबसूरत सा मिराल भी बना सकते हैं इन सभी मोल्ड्स का इस्तेमाल एक साथ करके, है ना। तो ये भी है ना बहुत खूबसूरत सा आइडिया। तो चलिए, अगर आपको इसी तरीके के मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।